स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट अल्फा इफेक्ट। व्हाट इज अल्फा इफेक्ट? शुरू होता क्या है, जैसे कंपाउंड लिया मैंने एच एच और यहाँ पे ले लिया प्लस, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कोई एटम अटैच है जिसके पास लोन पेयर है, ठीक है, तो होगा क्या, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली इस वैकेंट ऑर्बिटल में दे देगा। क्लियर? अब इसको ही रेजोनेंस या फिर बैक बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है, बैक बॉन्डिंग की वजह से रेजोनेंस हुआ ना, ठीक है, राइट ना, बैक बॉन्डिंग इसी को कहते हैं। यहाँ पे इसको कंबाइन कर लिया, राइट है, क्योंकि तो यहाँ पे बॉन्ड देखो, ये कार्बन ए से कंबाइन है, बट ये लोन पेयर से इससे फिर से कंबाइन हो रहा है, तो बैक बॉन्डिंग। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं एक एग्जांपल और बताऊंगा, जैसे मैंने बता दिया बी एफ टी, ठीक है, अब बी एफ टी में होता क्या है कि बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रहता है ना, और इसके पास क्या रहता है, लोन पेयर रहता है, तो ये इसको देख करके बैक बॉन्डिंग कर लेता है, इसका ऑर्बिटल फ्री नहीं रहता। तो अगर मैं बेसिसिटी की बात करता हूँ, एसिडिटी की बात करता हूँ, कि बी एफ थ्री, बी सी एल थ्री, बी आर थ्री, बी आई थ्री में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आप इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करोगे तो बोलोगे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ पे ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो रहा है, ये ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन ये सबसे कम लेगा क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की वजह से फिलअप हो जाता है, समझा। तो बैक बॉन्डिंग में कैसा होता है कि बी एफ थ्री हो गया, अपने केमिकल बॉन्डिंग में बताया तो था, मैंने बताया था ना, अब यहाँ पे बी सी एल अगर हो जाएगा तो सी एल कैसा होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना एटम, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा हो गया, इसकी बैक बॉन्डिंग थोड़ी कम हो जाएगी, बी आर की और कम हो जाएगी, आएगी और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो वही होता है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग, ठीक है, चले आगे, सुनो एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया सी एच टू सिंगल बॉन्ड ओ एच, अब यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे मैंने ले लिया सी एच टू और सी एच थ्री प्लस। अब अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा कैटन स्टेबल है, अब क्या बताओगे, कौन सा कैटन, कार्बो कैटन ज्यादा स्टेबल है, तो अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करोगे तो भाई ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन और खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए कम, बट ऐसा नहीं होता, ये ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग। पॉइंट बात आई समझ में, हाँ ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना, ये बैक बॉन्डिंग बना के बॉन्ड स्टेबल हो गया ना, कैटायन स्टेबल हो गया, समझा कहानी, हर दे हो कुछ आ रहा समझ मिटा, हाँ ये बीबी हो गया और यहाँ पे सिर्फ थ्री अल्फा हाइड्रोजन है, आई बात समझ में, चलिए एक स्टेबिलिटी का पैरामीटर हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी इफेक्ट डालता है स्टेबिलिटी पे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे इफेक्ट डालता है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिया सिंगल बॉन्ड सी प्लस सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच प्लस,
सी सिंगल बॉन्ड एस टू प्लस। डिस्टेंस बढ़ गया ना। अब सुनो यहां पे कहानी सुनो। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा है इसका? एस पी। यहां पे कैसा है? एस पी टू। यहां पे कैसा है? थ्री। यहां पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बताया ना मैंने, 50% हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा? 33.33% हो जाएगा। और यहाँ पे 25% हो जाएगा, राइट है ना? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, राइट है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है यहाँ पे? डिक्रीज हो रहा है, पता ही समझ में। सिस्टिविटी पे क्या फिर गिरेगा बता मुझे? अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा ना, यहाँ पे माइनस रहना चाहिए। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका पॉजिटिव तो ज्यादा स्टेबल करेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड भी पॉजिटिव कम स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी कम स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सिंगल। आर गेटिंग माय पॉइंट? चले आगे, कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं, कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। अभी सर के पास यहाँ पे जो है सरकार मॉडल वो निकालते हैं, उसमें बहुत सारे जरूरी है। तो क्या की क्या है हरिद्वार में? क्या क्या की? मेरे पर कुछ इफेक्ट नहीं दिखा तो हरिद्वार से आप ठंडी से लग भी रहे ऐसे हो जाता है। इसका मतलब वो अंदर अंदर थी, बाहर बाहर नहीं थी। पानी गुड गुड। क्या हो जाती है? गुड, भगवान भला करे सबको। इसीलिए पूछ रहा था आते हैं वो। मैं देख रहा हूँ तो किस तौर का देख रहे तेरा। चल मेरी बेटी ना वो देख रही थी किसी फैन का, देख रही थी तो वो देख रही थी। इधर भी मोबाइल सब यूज करते हैं दूसरे का। चलो अच्छा डांस करी थी इसलिए पूछा, इसको कोई फर्क नहीं गया। किसके किसके साथ डांस कर रही थी? किसके साथ डांस कर रही थी? अच्छा ना थी। अच्छा जबकि नॉर्मली मैं देखता नहीं कहीं, अचानक से मुझे फील होता है। नहीं वो देखती है, लेकिन कभी कभी देखती है तो अरे यार बहुत सा नंबर है। ठीक है चलो ठीक है। कोई क्या है अकाउंट में यहाँ ध्यान देने वाली दे रही, खुद पे क्यों दे रही? देखो ना अब बताओ क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर बेटा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पहले क्वेश्चन हैं डिस्कस करेंगे। क्या देखो क्वेश्चन देखेंगे
क्या हुआ बेटा? अरे क्या कहना, क्या चाह रही है? फोन तुमने कहा इतनी हिम्मत, कुछ जो जो रहता है उसको वो नहीं बोलने का। मैं भी एक और दे देता हूँ। सर दिख रहा है दिमाग?
सबसे यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग कर रहा हूँ। अरे ओपन हाउस था कॉलेज में, तो सब पेरेंट्स, अब टेंशन बहुत, सबको टेंशन हो रहा है, सब मेरे 21st फेब। क्या बोलता है नॉर्मल? अरे ये करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन ही कर रही है, बड़बड़ कर रही है, कैसे देश चलेगा? पहला वाला करो, क्या राइट है? हाँ मुझे क्या पता, जो पहला वाला देखते हैं कैसा, कौन सा राइट बेटा? 2 3 1 पता करो, यहाँ पे लोन पे रहे हैं, सुनो ना, यहाँ पे काम कौन कर रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट का काम हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ये भी खींच रहा, डिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है? हाय हाय, बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, जिंदगी मौत ना बन जाए। तो संभालो, बाकी यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है ना, अभी अभी सारे बच्चों की बन गई है, देखो ना ये हाइड्रोजन है, सबकी मौत बन गई है। अभी तक कॉलेज आ रहे थे लाइन मारने के लिए, अभी सब लोग का हालत कर रहे हैं, मैं बोल देता हूँ सीधा पैरेंट सामने, यहाँ पे फालतू काम करने, अभी सबकी हालत खराब हो गई, सबके पेरेंट्स फोन कर। हेलो, हाँ गौरव जी बोलिए। अच्छा, बोर्ड लगाने के लिए कॉन्टेक्ट नंबर, हाँ बोर्ड एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, ठीक है ठीक है, देखो क्या चार्ज होगा, मैं बात करके रखिएगा कितने मंथ के लिए क्या चार्ज होगा। ठीक, ओके ओके, हाँ हाँ वो भी सर को मैं भेज रहा हूँ, वहाँ से कंफर्मेशन करके फिर आपको भेज दूँगा। नहीं ईयरली करेंगे, मंथली मंथली को मतलब नहीं निकलता। हाँ, मैंने देखा हूँ, करवाता हूँ, ठीक है। वो 15 वाला, 15 MPA का तो चलेगा ना MBBS का, अरे उतना सबकी सेट है, बच्चों को भी चाहिए, अगर ऑनलाइन लेक्चर वगैरह में होगा तो उतना चलेगा ना। ठीक ठीक है, चलो मैं देखता हूँ। ओके बच्चों सुनो, अब यहाँ पे बताओ कौन सा स्टेबल है, क्या बात है, धोखा खा गई लड़की, कुछ भी भरोसा नहीं है, ये देखो ये कुछ हो ही नहीं रहा, क्या करूंगा, इस सितारों की तरह चमक रहा है, देखो ना परेशान हूँ इससे। चलो बच्चों, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी ना, बोलो ना,
यहाँ पे कितना है, फोर अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी फोर अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है, बीबी है राइट ना, बीबी सबसे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे फोर अल्फा है तो क्या देखेंगे, इंडक्टिव फिर देखेंगे, करेक्ट बोलो, करेक्ट, गुड बॉय। अगर यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग हो रही हो तो दोनों में रही है, लेकिन ये कार्बन, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, मैं मैंने बस तो शक की नगर से देखा, मैंने कुछ बोला भी नहीं क्या। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे आई वही बहुत है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे ये वाला नाला बहुत कम बड़ा छोटा है, नैरो है, और ये थोड़ा सा ब्रॉड है, यहाँ से जंप करके जा सकता है, यहाँ पे जंप करके नहीं जा सकता, 2P2P3P3, 2P3P, समझा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग ज्यादा, डिस्टेंस, समझा ना, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके जा सकता है क्योंकि छोटा है, 2P3P है ना। अरे लाहौल मेरा पति, सुनो, कार्बन के पास दो शेल होते हैं, वन टोपी, समझ रही है क्या, टोपी को कुछ टाइम लगेगा इसका दिमाग पिघलने में, जम गया है ठंडी में, है ना, फ्रीज हो गया। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब दर्द थोड़ा अलग है, अब दर्द अलग है क्योंकि अब पॉजिटिव यहाँ पे है ना, राइट ना, अब यहाँ पे तो कोई बैक बॉन्डिंग हो नहीं रही है, यहाँ से अटैच है ना भाई, यहाँ पे अटैच है, इसको खोलो, इसको खोलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खोलना सीख लो, ये देखो, अब यहाँ पे क्या देखना है मुझे, इंडक्टिव इफेक्ट, ये विड्रॉ करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, पावर सबका नंबर तो सेम है ना, डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, क्या देखना है, पावर, इसका पावर ज्यादा है क्लोरीन का, अरे बोलो ना, यस, ये भी विड्रॉ करेगा है ना, बोलो, तो यहाँ पे विड्रॉ करेगा ज्यादा, तो यहाँ पे प्लस कम हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया, बताओ जल्दी से, अगर करेगा तो प्लस ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा, समझ आया, यहाँ पे ये राइट ना, क्या बोल रही है, क्या बोला, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट, और फ्लोरीन का पावर ज्यादा होता है इस कंप्यूटर, क्लोरीन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, ठीक मैं क्यों बाटा में जाऊं, बाटा में जाके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो इसके पास ब्रैकेट ऑर्बिटल है ना, और ये इसके अटैच है फ्लोरीन, यहाँ पे एच है, यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस है, इसकी वजह से प्लस है ब्रैकेट ऑर्बिटल की वजह से, तो ये बॉन्ड बनाया है ना कार्बन और फ्लोरीन के बीच में, होता क्या कि फ्लोरीन के पास लोन पेयर होता है राइट, और ये छोटा एटम है तो ये इसको देखकर के आप भी बॉन्ड बना लेता है, इसके बैक बॉन्डिंग, ये इससे बॉन्ड बनाया है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके ब्रैकेट ऑर्बिटल देकर के इससे भी एक और बॉन्ड बैक बॉन्डिंग, ठीक है, चलिए मैंने तुमको समझा डाला, मेरा काम हो गया, मैं दारू गरम, हैव डन माय वर्क। अरे एसपी बस पी है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखा रहा हूं, उसका 2P उसके 2P से बैक बॉन्डिंग कर रहा है, उसका 2P उसके 3P से कर रहा है, बेटा चलो आगे चले, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, अरे फिनाइल ग्रुप लाहौल मिला कुछ, इसको ही कहते हैं, अच्छा ढूंढ भी रही थी पीरियडिक टेबल में,
इसको ही कहते हैं, इसको ही कहते हैं मशरूमियत की हद, मासूमियत नहीं मशरूमियत। हाँ मशरूम है। ये वाला देखो, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, हाँ ये स्ट्रक्चर, अंडरस्टूड? ये वाला स्ट्रक्चर ये है, वैसा सोच लो, ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी, टर्शियरी, इंपॉर्टेंट, तो कौन ज्यादा सुदृढ़ है? देखो सुनो बेटा, मुझे भी बोलने दो, सुनो ना, सुनो, यहाँ पे ऐसा बॉन्ड होगा ना, अब यहाँ पे ये जो प्लस है, ये रेजोनेंस, ये पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, ये वाला रिंग, ये वाला रिंग, ये वाला, तीनों करेंगे, बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो दो ही रिंग है, इसमें एक ही रिंग है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये कम बैकबोन ही नहीं देख लिया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहाँ से? हाँ ये वाला, ये रेजोनेटिंग है, इसमें बैक बॉन्डिंग लोड करनी है ना, कि देख करके बना रहे हैं, तो अपना इलेक्ट्रॉन देख करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं, समझ में आया क्या? यहाँ पे तीन रिंग है राइट ना, थ्री रिंग है, यहाँ पे कितना है? टू रिंग है, यहाँ पे कितना है? वन रिंग है, बोलो। हाँ अरे कोशिश कर बेटा, ये समझा आपको, देखिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, फिर पानी नहीं है, मच्छर गई तो मच्छर के, तू बेहोश निकलेगी, मच्छर तुझे लेके आएगा। ये वाला करो, हाँ बेटा, ये पहली बार खुश हुई किसी को मच्छर ला रहा है मेरे इसी बार, अरे तू खुश हुई इस बार मच्छर किसी और को ला रहा है मेरे। ये वाला करो क्वेश्चन, युग बता दो बेटा, ये वाला क्या क्या आंसर आएगा, जल्दी बता दो, प्लीज बताओ ना आंसर, तुम लोग नहीं बता रहे, मजा नहीं आ रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा। अल्फा हाइड्रोजन देखो ना, मैंने सिखाया ना, कैटन के लिए पहले अल्फा हाइड्रोजन देख लेगा, यहाँ पे कैटन, यहाँ पे कितना हो गया? वन टू थ्री, और दो यहाँ पे राइट ना, कितना हो गया बेटा? फाइव अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे कितने? दो ही है, यहाँ पे नहीं है ना, टू अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना बेटा? जीरो अल्फा हाइड्रोजन है, तो स्टेबिलिटी का पिक्चर क्लियर है, समझा ना, बोलो आगे। ये वाला बहुत ही आसान है, हाँ बराबर। अरे तू स्मार्ट है, बस यूज नहीं करती। क्योंकि इसके बाद जो कार्बन है ना, वहां पे नहीं आएगी। अब देखो, अगर अरे सुनो सुनो, अगर आप बोलोगे ना, सुनो, आप ये भी कह सकते हो ना, सर ये करो ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके आओ, चलो ला दिया, ला दिया ना, आपके कहने से ला दिया, यहाँ पे प्लस हो गया, हाईली अनस्टेबल, यहाँ पे प्लस कैसे आएगा, जिंदा ही नहीं रहेगा, समझ में आया? इसके लिए अनस्टेबल है ये, नॉट स्टेबल, दैट्स व्हाट इज लोएस्ट, यही सब तो पैरामीटर, यही सब तो या इसमें होता हो, ये तो बहुत ही आसान है, जल्दी बता दो, आगे चलो, टेल मी फास्ट, वेरी गुड भूमिका, दूसरा वाला इसी वजह से बता, टप टप टप, ये वाला बताओ, मजा आ जाएगा, चलो कम ऑन।
मेहर बता दो बेटा। हाँ ये लड़की ऐसा क्यों बोल रही है तू? अभी आई तू, 2 साल से पढ़ रही है इसको। स्टेबिलिटी अब कार्बो कैटायन और क्या। बोल रहा हूं मैं, राइट नहीं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। हाँ वही तो, पता नहीं क्यों टूट गया। देखो कहानी समझो, कहानी समझो भाई। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे 4 अल्फा आटम है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। बोलो ना। हाँ अटक गया, रुक। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, राइट ना। एच इफेक्ट हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो रहा है। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल। हाँ क्यों, अब सुनो कहानी, अब सुनो। इसलिए मैंने पहले ऊपर लिखा था। ये कैसा है, ये कैसा है मेरे पास। ये मेरे पास नॉन एरोमेटिक है जबकि ये मेरे पास एंटी एरोमेटिक हो गया है। स्टेबिलिटी चेंज हो गई। यस, इसे कहते थे क्वेश्चन। मजा आया ना। समझा ना। यहाँ पे मतलब अभी आपको जो पढ़ना है, सिर्फ आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, सिर्फ आपको एरोमेटिसिटी, सिर्फ आपको रेजोनेंस नहीं देखना है, सब एक साथ बैक बॉन्डिंग सब कुछ देखना है, तो स्टेबिलिटी क्लियर होगी कौन सा ज्यादा स्टेबल। और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अभी तक बहुत उछल रहे थे, फटाफट आ रहे थे, अब ब्रह्मांड हिल रहा है, अभी तक एक भी राइट नहीं गया। एक गया तेरा इत्तेफाक से, लेके जाना नोबेल प्राइज जाते समय, दे दूंगा। सुनो आगे चलो, और क्वेश्चन देखो। ये देखिए इनका, चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन। चलिए बताओ क्वेश्चन नंबर, फटाफट क्वेश्चन लिखो फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। हाँ चलो, मजा आ रहा है। आने दो, कुछ नहीं लिखा था। इतना क्या एग्रेसिव हो जाती है तू? तो वो तो अच्छा, आसपास कोर्ट नहीं, सीधा एफआईआर कर देंगे, कोर्ट में पहुंच जाती है। न्याय दो मुझे। क्या बोले इसको, ये तो
अच्छा क्या हुआ, क्यों रहे हो? अरे है, मेरी गलती की सजा उसको मत दो, मेरी गलती की सजा क्वेश्चन को मत दो। पानी पूरी, हाँ मैं तुमको नहीं पता हम पे क्या गिफ्ट चाहिए। हाँ अब नेक्स्ट टाइम तो जो लेट आएगा कुछ लेके आएगा, अब पेनल्टी लगा सच में। अच्छा हो गया, नहीं करेंगे और दे दो थोड़ा।
रुक जाओ, अच्छा लिखो बस। नहीं, ये नहीं होगा। गुड 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 गुड, वेरी वाला गुड। अगर इसके बाद तुम लोग पीरियडिक टेबल लेके बैठते ना, डी क्या है, नया एलिमेंट, वह सही जा रही है। अच्छा बहुत सही जा रही है, मतलब वह सही क्यों जा रही है, इसको क्या हो गया? ठीक, सब थी, सब 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 थी। लो बदल देता हूं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, अब तरफ करो बच्चों। कितना छोड़ा करूँ, कितना नहीं किया अपने, अब सब आया एक साथ। वो आँख चेक करने वाले दिखाते ना, वैसे दिखा रहा हूँ किसकी आँख है। आया, देख लिया, अब तुम सोचो बच्चे, अब मैं नहीं बताऊंगा, तुम सोचो। अरे ठंडी लग रही क्या तुमको? क्यों? काढ़ा पिया करो, रामदेव का काढ़ा पिया करो, बाबा रामदेव का काढ़ा पिया करो। किया आप लोगों ने? नहीं, हेलो, बंदा ही नहीं आ रहा है क्या? बैक बॉन्डिंग युग करो, 11 दिया, कम से कम 10 तो ऐड करो।
ब्रो छोड़ जाए, जो छूट गया उसको छोड़ दो, पहले वाला करो। हरदेव जी करिए, आने के पहले तबेले में जाता है क्या? यहाँ आने के पहले तबेले जाता है ना? यहाँ आने के पहले तबेले में जाता है, और गाय से बाल ऐसा तो मस्त लगता मुझे ऐसा। एकदम मस्त फ्रेश लगता है आलू प्याज। अरे बाल को मैं तकलीफ नहीं बोलता, एकदम सेट रहता वहीं पे, कोई हिलता नहीं उसका बाल। वो अंदर से पानी फेंकता है, उठता नहीं उसका पानी देखो ना। पानी से इतनी देर तक रहता है स्टेबल, वो नॉर्मल सूख जाता है। चलो वहां पे केमिस्ट्री में देखो, चलो नहीं तो इमल्सन बना रहे ऑयल पानी मिला के, इमल्सन ऑयल और पानी का मिक्सचर, थोड़े ड्रॉपलेस हो गया इमल्सन। जैसे पानी को ऑयल में मिक्स करोगे तो मिक्स नहीं होगा ना, सेपरेट हो जाता है। कैसे मिक्स करोगे? थोड़ा सा उसमें सोप डाल दो, तुरंत बन जाएगा। क्योंकि सोप क्या होता है, इमल्सिफायर होता है, वो स्टेबलाइज कर देता है इमल्शन, डिटर्जेंट या सोप। तो आया कितना आ गया? नहीं कैसे चलो तुमने क्या कैसे बताओ जैसे तुम बताओ किससे करेंगे? देखो अल्फा हाइड्रोजन से करो ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन ये रेजोनेंस भी हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है ना रेजोनेंस। यहाँ पे होगा क्या? नो रेजोनेंस, यहाँ पे कहाँ थे कंजुगेशन नहीं है ना, और यहाँ पे होगा रेजोनेंस। तो ये दोनों में क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है, राइट ना? तो ये तो सबसे कम हो गया। अब इन दोनों में चेक करेंगे अल्फा हाइड्रोजन, फिर इसके बाद यहाँ पे एक ही, यहाँ पे कहता 3 है, क्या बात है? कैसे? वन टू, तो हाँ इसमें 4 होगा, सॉरी माय बैड। तो नेक्स्ट वाला बताओ बताओ जल्दी से, बहुत आसान है नेक्स्ट वाला। क्यों, कहाँ, कैसे? सुनो यस, यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया राइट ना, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, 3 3 6 और 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गया राइट ना, और यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3, 1 2 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। लेकिन बेटा यहाँ पे बीबी है ना, और बीबी की वजह से स्टेबल हो गया है ना, जबकि यहाँ पे एच इफेक्ट होगा बस। समझ में आया? एच इफेक्ट मतलब हाइपर कंजुगेशन बस। तो ये हो गया स्टेबलाइज। चलो ये बताओ,
ऑन, ये दोनों बता दो, मजा आ जाएगा, जिंदगानी का मजा आ जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन ये बंद कर दूंगा। नहीं आई अच्छा एम नॉट सीरियस, अच्छा बता तो रहा हूं। नहीं सोचो, मुझे यहाँ से वैसे ही जाना है, 10 तरह के खड़े होके, फिर वहां जाना, मुझे नाला दुखा वो भी एकदम एंड में, फोन अच्छा आया ना उनको। नहीं वही तो, मुझे भी नहीं समझ आ रहा, 10 से ज्यादा हो जाएगा, मुझे 11 बजेगा, और सुबह मेरा साथ में लेक्चर है, फिर से विरार में, फिर वहां से निकलूंगा तो मेरा साथ दोपहर में, ऊपर में लेक्चर है मंदिरी में 11 बजे से, 7 बजे विरार में, विरार 7 से 10, 10:15 तक, फिर वहां से अंधेरी 11:30 से डॉट 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 कब तक लेता हूँ पता नहीं, हो जाता हूँ क्या कर, जैसे ही बोर होके बैठता हूँ घर पे कि आज मैं सोऊंगा, तब तक कोई बिल लाके दे देता है। हाँ कोई भी बिल, तो भरना पड़ेगा ना। नहीं बट संडे को तो नॉर्मली सोशल चैरिटी, चैरिटी इन द सेंस मतलब फ्री में, जो दोस्त हैं मित्र हैं क्या क्या ऐसा दे जाता, तो वो ऐसे ही बात नहीं। क्या बोल रही हूँ, ये इसकी बात कर रहा हूँ, सर अच्छा कैसे क्या बोल रही थी वन, सुनो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन होगा भाई, सीएसई हाइपर कंजुगेशन भी शो करता है ना, एक दो तीन, तीन हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे दो ही है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे नहीं है, क्या दिक्कत है इसमें भाई, हाइपर कंजुगेशन पार्टिसिपेट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, है ना, यहाँ पे बोल सकते हैं एच इफेक्ट हो रहा है राइट ना, और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बोलो, अब यहाँ पे बोलो, बताओ। हाँ अब मेटा पे हो गया, तो यहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट या हाइपरकाइनेटिक होगा नहीं, तो क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज्यादा होता है ना, देयर शोइंग द प्लस आई इफेक्ट, क्या समझा मेरी बात, बोलो, मस्त था ना लजीज एग्जांपल, जी ये वाला बताओ, तो बोलता
चलो बच्चों, हुआ ये क्या राइट है? क्यों? कौन बैंक बॉन्डिंग किससे कर रहा है बेटा? अरे नाइट्रोजन पे लोन पे वो कहाँ जाएगा घूम के? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अपनी तरफ खींचेगा और प्लस पड़ेगा, हाईली अनस्टेबल हो गया। यहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है ना, मेजोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, ले रहा है ये भी, ले रहा है ये भी, ले रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो गया, बोलो ना। हाँ फिर और एक्चुअली यहाँ पे देखो मेन रीजन क्या है कि मेजोमेरिक तो हो ही गया, इंडक्टिव इफेक्ट बस काम कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी माइनस आई हो रहा, प्लस आई हो रहा है, हो रहा है ना, सॉरी माइनस आई हो रहा है ना। देखो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना ये, ठीक राइट, बोलो। और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ये सबसे स्टेबल ये हो गया, अब ये तो बता ही दो। यहाँ पे मतलब CH3 है ना, बोलो बोलो, प्लस आई फिट कर रहे हैं ना, तो प्लस आई क्या हो जाएगा? क्या दिक्कत है इसमें? इंडक्टिविटी दे रहा है, नजदीक है, डिस्टेंस, डीएमपी रूल, कभी हायर देकर के बेसी दो को तो दिमाग नहीं चलता था। आठ बज भी गया तो बस क्वेश्चन नहीं हुआ। चलिए करो, युग बताओ, तुम वो बताओगे दोनों। हाँ चलो जल्दी, 2 घंटे लड़कों की आवाज सुनने के लिए तरस जाता हूँ मैं, फिर मैं ही बोलता हूँ। बोलो रॉन्ग ही बोलने, बोल ना रॉन्ग, सही कुछ बोलो, युग बोलो। तुम अपना दिमाग लगा, दूसरे का मत सुन। हाँ बोलो, अरे बोलो बेटा, 1 2 ये बोलो। युग युग का ये अमर मुझ में बोलो बोलो, 2 1। चलो सुनो, अब मेरी दास्तान सुनो। देखो ये रेजोनेंस हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, किससे किधर हो रही है यार? इसमें ये वाले में देखो बैक बॉन्डिंग भी हो रहा है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भी तो जाएगा रेजोनेंस में, तो दो दोनों जगह पे जा रहा है, मतलब ये अनस्टेबल हो रहा है, ये स्टेबल हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ना मेरे पास। अरे हाँ, लेकिन ये दो जगह पे इन्वॉल्व हो गया ना, इसका इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे इन्वॉल्व है, समझा गया? अरे बेटा यहाँ पे BB है राइट, लेकिन इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये देगा कि नहीं?
देगा तो क्या बनाएगा यहाँ पे रेजोनेंट स्ट्रक्चर, 1 2 3 वाला 4 ये बना दिया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया प्लस हो गया ना, अब ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा यहाँ पे बीबी हो गई, समझ आया? रेड स्टेबल, ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ, ये तो बता ही दोगे तुम लोग 100% बता दो, एकदम कोई शक नहीं, सीधी सीधी बीबी सीधी सीधी बीबी, यहाँ पे देखो बीबी नो बीबी खुश है वो, अनस्टेबल है अनस्टेबल है, 2s2s है, 2p2p है, 2p2p है, 2p3p है, डिस्टेंस कितना बढ़ रहा है, कम हो गया, एटम का साइज बड़ा होगा तो ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, मुझे क्या पता क्यों, दोनों के पास बीबी है, देखो ये वाला भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी, अरे ये भी सेकेंड सेल का है, सेकेंड पीरियड का, ये भी सेकेंड पीरियड का है, अब क्या करोगे, अब कौन सा पैरामीटर लगाओगे, दोनों में बीबी है, दोनों बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं, दोनों सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, दोनों में टूपी टूपी है, अब दिमाग चलाओ, अब ब्रह्मांड हिलाओ, हिलाओ ब्रह्मांड, मजा आ जाएगा, कहाँ एरोमेटिक्स है, कहाँ सेम है, क्या लगाएंगे बताओ बताओ, डालो डालो प्रेशर डालो किडनी पे, दो है दो किडनी है, डालो ये क्या है हाँ अब सुनो सुनो ना, ये मेरे पास कार्बन है, सुनो यहां पे मेरे पास नाइट्रोजन है, यहां पे मेरे पास ऑक्सीजन है, ये दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, कौन देगा जल्दी से, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहना चाहेगा, ये देना चाहेगा, ये स्टेबल हो जाएगा, इसमें उतना डिफेक्ट नहीं, जितना इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, इतना बड़ा नहीं हो जाता कि नाला बड़ा हो जाए डांप नहीं पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, राइट ना, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन द ऑक्सीजन, सो वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना इजी है, समझा ना, ये वाला बताओ बेटा, कम ऑन, ये दोनों बताओ, कम ऑन, वाह ये दोनों लास्ट है, वाह और लिखूंगा अभी, बोलो क्या, अरे यार इसका ज्यादा होता है ना स्टेबिलिटी, ये तो सिंपल ही है, तो सीधा बता दो तो बता दो तुम दो, क्यों 3 2 1 क्या था, अरे डायरेक्टली नहीं अटैच है ना, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है राइट ना, ये भी प्लस आई कर रहा है, ये भी प्लस आई कर रहा है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है 9 अल्फा ड्यूटेरियम है, यहाँ पे क्या है 9 अल्फा टाइट्रियम ट्राइटियम है राइट ना, अब देखो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी का पैरामीटर लगाएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड, कार्बन और टाइट्रियम का बॉन्ड, कौन स्ट्रांग होगा बेटा, ये होगा है ना, तो बॉन्ड एनर्जी इज लेस, स्टेबिलिटी इज वॉट मोर,
अब एनएन की बात करें थोड़ा सा, कुछ देर एनएन की, अभी तो कैडन की बात करें ना। कार्बन, ठीक है, यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव है और यहाँ पे ए के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा, राइट ना, बोलो ना, वैकेंट ऑर्बिटल। सेकेंड ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक है। ये कहानी आपको यहां पे समझाया जा सकता है, जैसे एल हो गया एल्युमिनियम, हम बनाते हैं यहां पे, हाँ सी एल, यहां पे हो गया सीएल, यहां पे हो गया सीएल, यहां पे हो गया सीएल, राइट, और दूसरा भी एल्यूमिनियम लिख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, सी एल, सी एल और सी एल। अब यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है ना, ये वाला इसको दे देता है और ये वाला इसको दे देता है, डाइमराइजेशन हो जाता है इसको, क्या बोलते हैं इसको, डाइमराइजेशन, राइट ना, इसके वैकेंट में ये अपना लोन पेयर, इसके वैकेंट में ये अपना लोन पेयर दे देता है, ये दो मॉलिक्यूल आपस में मर्ज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। तीन मर्ज होंगे तो ट्राइमराइजेशन और ज्यादा होंगे तो पॉलीमराइजेशन। इसको नहीं, आपस में नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस होगा तो इसको देख, नहीं क्योंकि यहाँ पे कैसा है मेरे पास, यहाँ पे क्या है 13 और सीएल किसका है 17 ग्रुप का है, राइट ना। एग्जांपल देखो, कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कैसे होगी, एग्जांपल देखो, बोलो तभी इलेक्ट्रॉन जाएगा ना यहाँ पे, मैं बताता हूँ अभी, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, एसपीडी, देखो मैं बताता हूँ कैसे होता है, मैं समझाता हूँ कैसे, जैसे यहाँ पे देखोगे आप, अभी अभी एग्जांपल भी आपको समझ में आएगा मैंने क्यों डी लिखा अभी, अभी जैसे ये लिखा एग्जांपल, सी एच टू लिखा और ओ एच लिखा मैंने, यहाँ पे माइनस है ना, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सी एच टू और एस एच, अब बताओ मुझे क्या होगा भाई, इसके पास नहीं है, इसके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट है ना, अरे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है एक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p4, अब यहाँ पे दो सेकेंड सेल में डी तो आता ही नहीं, लेकिन जब मैं एस का लिखने जा रहा हूँ 16, तो क्या आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, है ना, फिर क्या लिखूंगा मैं 3s2, 3p4 और 3d यहाँ पे खाली है, तो ये इसका बैक बॉन्डिंग हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे नहीं होगा, समझा ना, अब आए समझ में, यहाँ पे नो बी, यहाँ पे बी, समझा ये कहानी, बोलो। यस यस डेफिनेट।
ये बताइए, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, वो कैटन के लिए दिखा है, एनायन के लिए देखो, जिस उसका अपोजिट है, जैसे मैंने सी एस ट्रिपल बॉन्ड सी एस सी ले लिया और यहाँ पे माइनस है, फिर सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ले लिया मैंने, माइनस है, फिर मैंने सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू ले लिया और माइनस है, बताओ यहाँ पे कैसा एस पी है, यहाँ पे कैसा एस पी टू है, यहाँ पे कैसा एस पी थ्री है, राइट ना, बोलो एस कैरेक्टर तो पता है, यहाँ पे हो जाएगा 50%, यहाँ पे हो जाएगा 33.33%, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25% है, तो यहां से यहां तक क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव निगेटिविटी डिक्रीजेस, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, निगेटिव कहाँ पे रहना चाहेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, समझ में आ गया, क्वेश्चन तो बनता है यहाँ पे, चलिए फटाफट सबसे क्वेश्चन, हाँ करो, नीचा है कि, अरे 13 हो गया, चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग ट्राई करना है ना, होमवर्क करोगे ना, इधर कैसे करोगी, चले करें, सुनो देखो, सुनो सुनो क्वेश्चन लिखो, चलिए यहाँ पे देखो इंस्टेबिलिटी, पहले 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 एकदम फटाफट बनाओ, ये आप लोग सुनो बनाओ तभी चलेगा, मैं मान लूंगा, वाह इतने महीने बाद याद आई कि मैं म्यूट था, क्या बोलू, हाँ अच्छा अच्छा
पहले रिपोर्ट नहीं। हाँ इतने दिन कहाँ छुपी थी आप? कब से हम ढूंढ रहे थे चिराग लेकर के, आप मिली ही नहीं। अब आपको जहां जाना है जाओ, मैं जा रहा हूँ।